दहशतगर्द भी हैं, वो भी सहाफ़ियों को नहीं छेड़ते, क्योंकि वो सहाफ़ी तो हर इवन उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करके आ जाते हैं और उनको इस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि एक मीडिया की ज़ाहिर है उनका आज़ादी है और वो इवन हर तबका माशरे का उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये जो किया गया काम वो इसलिए कि तमाम मीडिया की और तमाम लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो जाए, हम पे प्रेशर आ जाए इतना ज़्यादा कि हमें ये ऑपरेशन जो है वाइंड अप करना पड़े। लेकिन हम बिल्कुल ये ऑपरेशन वाइंड अप नहीं करें, हम पीछे जाने के बजाय हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, हम नुकसान लेने की बजाय नुकसान दे रहे हैं। इस वक्त हमने इनकी ठिकाने भी काफ़ी तबाह किए हैं, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये लोग या सरेंडर कर देंगे या मारे जाएंगे या अरेस्ट हो जाएंगे जी, फिर जो है अमन होगा इंशाल्लाह जी। ये जब ऑपरेशन हमारा कामयाब हो जाएगा तो पूरे ज़िले में ऐसा अमन होगा जो शायद इससे पहले नहीं हुआ। हाँ नाजरीन, एसपी घोटकी जो गालू तुम बुदूँ ढो पुरुमीद ढो जोश जज्बे से भरल ढो सुठा इरादा रखड़ हाँ पा उत हलूँ था उन्हीं रौतिया कच्चे में जिते पुलिस ऑपरेशन हली रो हली ऐसू था असल सूरत हाल उत है। नाजरीन असा मौजूद आयूँ रावती के कच्चे में, ही घोटकी ज़िले जो अड़ो कचो है जिते तकरीबन 200 किलोमीटर के हद में जी बबर जहा वण घाटा बेला अड़ो जंगल है पुरपेच वणदार जैमें धाड़ेलन जो मुख्तलिफ़ टोला उ लिखल उन हाँ जो अस एस पी साहब से गल उन मूजिब तो उनकी जी लीड कर रो नंढू बखराणी उन गो ग छोटू बखराणी उन गो ग वरी सुल्तू शर गुड्डू शर उ टोला सरग्राम जैजा तकरीबन 100 कमांडो टाइप एक तजुर्बेकार वो शूटर स्नाइपर जो अंदर मौजूद हैं जैजा जो उन बेले में वणन के मथा भी मोर्चा ठहल उन खंदकू भी खोटे छदून खड़ा खोटा जैमें ये एपीसी या चैनू न वही सकन। हिंसर अस बया वन पोस्ट से जो मौजूद आयो बया वन जो हि बुनियादी तौर पर बया जो लफ्ज़ जो मुख्य समझ में अचे तो बयाबान में निकल जिथे तकरीबन माना इंसानी आबादी घट हो तो हि एकड़ो इलाको ही तो बया वन आने का टू आ थ्री आई पुलिस की एक बेस कैम्प आते टे जे चैनू भी मौजूद हैं उनको सवा केतर पुलिस जो मोबाइल मौजूद हैं बख्तरबंद गाड़ी मौजूद हैं इतने खाधो रसद वगैरह एम्बुलेंस एक मौजूद है उनका सवा इतने खंदकू खोटे कर मोर्चा कायम क्या वह तो जी इतने पुलिस जो ऑपरेशन करे थी वरी वापस इतने अचे थी उनखा उन में आसानी पैदा कर कच्चे में रसद पैदा करण के लिए इतना सजो मूव किया वे तो इन वक्त असा घोटकी जो एस पी भी मौजूद है उन गो गुस खैरपुर जिले जो एस पी भी मौजूद है तो असा उन्होंने गल सब ये बताएं आप कि ये जो कैंप है इसमें तकरीबन कितने नौजवान मौजूद हैं और उनका काम क्या है। जी इसमें मुस्तकिल जो नफरी है वो तो तकरीबन 100 के करीब है, लेकिन इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे ज़रूरत होती है और जिस तरह के हालात और जिस तरह का माहौल होता है इसमें हम इजाफा भी करते रहते हैं कमी भी करते रहते हैं, लेकिन लगभग 100 के करीब जवान जो हैं यहाँ मुस्तकिल जो है मोर्चा जन हैं मोर्चा बंद हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो हमने चैन देखी है बख्तरबंद गाड़ियाँ उन पर भी डाकुओं के गोलियों के निशानात हैं तो ये क्या 24 घंटे जो अंदर जा रही है तो एक मौत का सामना है एक जंग जारी है और उसका जो है पुलिस सामना कर रही है और जो है वो आप समझते हैं कि ये जो हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद है इससे ही ये जंग फतेह की जाती जा सकती है।